हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक पे इंगेजमेंट ऐड कैसे रन किए जाएं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने फेसबुक ऐड अकाउंट पर आएंगे। यहां से आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, आपको ऐड मैनेजर दिख जाएगा। मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूं कि इस ऐड मैनेजर में जाने के काफ़ी तरीके हैं। एक ये, दूसरा आप यहाँ टॉप राइट पर जो आपको मेन्यू दिख रहा है, आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे डाउन तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा ऐड मैनेजर का ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप ऐड मैनेजर टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट लिंक ही ऐड मैनेजर का मिलता है फेसबुक के। यहाँ से क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। आई प्रेफर फ्रॉम आईडी, सो आई एम यूजिंग दिस वन। ओके, ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ड्रॉप डाउन किया मैंने, मेरे पास मेरे दूसरे अकाउंट शो हो रहे हैं। क्रिएट इंगेजमेंट कैंपेन, और आज हमारी जो कैंपेन है उसमें हम चाह रहे हैं कि हमें हमारी वीडियो पे या हमारी किसी पोस्ट पे हमें जो है इंगेजमेंट मिले। तो हम आज पेज लाइक का ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे। यहाँ से हमने इंगेजमेंट चूज़ किया, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लिक कीजिए, कम टू द एड सेट लेवल। राइट नाउ वी नीड द इंगेजमेंट ऑन आर पोस्ट, सो आई विल गो फॉर ऑन योर एड। वीडियो अगर मुझे पोस्ट करनी है तो फिर मेरा यहाँ पर इंगेजमेंट टाइप में वीडियो व्यूज रखूंगी, और अगर मैं यहाँ पर किसी पोस्ट पे इंगेजमेंट्स लेकर आना चाह रही हूँ तो पोस्ट चूज करूँगी अपने पेज से, और अगर मैं किसी इवेंट को रिस्पॉन्स लेना चाह रही हूँ तो मैं इवेंट रिस्पॉन्स चूज करूँगी। राइट नाउ जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर हमारा मकसद है पोस्ट इंगेजमेंट, सो लेट्स सेलेक्ट पोस्ट इंगेजमेंट। मैं मिनिमम एड बजट पे जाऊंगी। ओके, स्टार्टिंग डेट हमारे पास मौजूद है। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एड कैंपेन रन करना चाह रहे हैं। अगर आपकी जो है ऑडियंस आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि वास्ट हो तो आप वाइड ओपन सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप इसको और आप चाहें तो इसको टारगेट कर सकते हैं। मैं इसको रखती हूँ तकरीबन 45 और 22 to 45। फॉर एग्जांपल मैं टारगेटिंग करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सोशल मीडिया से जिसको इंटरेस्ट है। ओके, फिलहाल मैं प्लेसमेंट पे ही जाती हूँ जो फेसबुक की तरफ से है। पोस्ट इंगेजमेंट ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी में, पोस्ट इंगेजमेंट। ओके, यहाँ अभी हम फिलहाल इसको नहीं टच कर रहे हैं, हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। प्रेस नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेज, फॉर एग्जाम्पल मैं फ़िलहाल ये पेज ले लेती हूँ। ये देखें, ये पेज और इसका इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है आपके फेसबुक के साथ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इस वक्त अपनी एक एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ करना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है क्रिएट एड या यूज़ वीडियो हब मॉकअप, मैं वो यूज़ नहीं करूँगी। आई विल गो विद यूजिंग एग्जिस्टिंग पोस्ट। सेलेक्ट अ पोस्ट, अब जो ये मेरा पेज है उस पर जो पोस्ट हैं ये वो शो कर रहा है। आई सेलेक्टेड अ पोस्ट, प्रेस कंटिन्यू।
यहाँ मेरा कॉल टू एक्शन सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस है, इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल चेंज एंड लर्न मोर, अपडेट द पोस्ट। ओके देन नाउ आर एड इज रेडी। अब जैसे ही मैं पब्लिश क्लिक करती हूँ तो मेरा एड पब्लिश हो जाएगा। बहुत सिंपल टेक, और ये हमारा एड रेडी है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अभी हमारा एड रेडी है, अगर मैं पब्लिश क्लिक करती हूँ तो ये एड पब्लिश हो जाएगा। जो लोग इस वक्त हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, वो यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद अपने फेसबुक पेज पर अपने बिजनेस के लिए इंगेजमेंट ऐड ज़रूर बनाना सीख चुके होंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो आपका फीडबैक हो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।